Team Number 4 of this IPL, Royal Challengers Bangalore. ये है उनका Fantasy Cricket Analysis Video. पूरा squad क्या हो सकती है? Playing 11, कौन है इनके punt players? कौन है इनके regular performers? कौन हो सकते हैं आपके captain या vice captain in Fantasy Cricket? और बहुत कुछ, including a 100% बल्लेबाजी bonus code. दोस्तों, Mumbai Indians, Sunrisers Hyderabad और Delhi Capitals का Fantasy Cricket Analysis Video बन चुका है. So please watch those as well. मगर अभी ये वाला video देखिए. ये है फैन प्लेस और मैं हूं अकुल ढिंगरा एंड लेट अस बिगिन. ओवरऑल आरसीबी का आईपीएल फॉर्म अगर देखा जाए इट इज बिलो पार. प्लेऑफ्स में पहुंची 2010 में, 2015 में और पिछले सीजन भी प्लेऑफ्स में जरूर पहुंची. रनर अप भी रही है 2009 में, 11 में एंड रिसेंटली 2016 में. मगर दे हैव ऑल्सो कम इन 7 ट्वाइस एंड कम इन लास्ट twice in 2017 and 2019. जो इनका स्क्वाड है हमेशा देखने से तो लगता है कि यही जीतेंगे इस सीजन, मगर they always somehow manage to underperform. Overall 80 wins है, 84 losses है, below 50% winning record है. So they'll want to improve that 47.6 winning percentage. ये सीजन इनका क्रिकेट ये लोग कहाँ खेलेंगे? पहले तीन मैचेस स्लो स्पिन फ्रेंडली चेन्नई में. इस टीम के प्लेयर्स जो हैं, they like the ball coming onto the bat. So next two games they will enjoy in Mumbai, which is closest to their home Bengaluru conditions. Next four games होएंगी अहमदाबाद में. Again, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इतने सारे pitches हैं अहमदाबाद में, it's hard to guess कि कौन सी conditions मिलेगी इनको. और आखिरी पांच गेम होएगी कोलकाता में. And कोलकाता में भी थोड़ी pace है विकेट में. और इस RCB की टीम में सारे batsmen जो हैं, they love pace on the ball and the ball coming onto the bat. So they will enjoy playing in Kolkata for sure. Overall इनका squad क्या है? इन्होंने बहुत बहुत बड़े नाम पिछले सीजन में ड्रॉप कर दिए. इस बारी विराट Kohli will open the innings. He's the captain. Yuzi Chahal hai. Shikhar Bharat is a backup wicketkeeper. Pavan Deshpande spinning all-rounder hai. Mohammad Azhruddin isne ek incredible innings T20s mein Mumbai ke against kheli hai. Let's hope ki ye ek one-hit wonder na ban jaye. But ye bhi ek wicketkeeper hai. Mohammad Siraj has really arrived in international cricket now. Devdutt Padikkal, remember dosto, isko abhi COVID-19 hua hai. At least shuru ke 2-3 matches ye nahi khelega. Harshal Patel hai. He can bat a bit and he has good variations as well. बड़े नाम और जो प्लेइंग 11 में देखेंगे, सचिन बेबी, ही इज बीन अ वेरी गुड पिक. ही इज अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फॉर केरला, हाई स्ट्राइक रेट. शाहबाज नदीम, लेफ्ट आर्म स्पिन चाहिए और थोड़ी बहुत लोअर ऑर्डर में बैटिंग चाहिए तो वो कर सकता है. नवदीप सैनी एंड वॉशिंगटन सुंदर. इस बारी वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नॉट ओनली विद द बॉल बट आई फील इन दैट मिडिल ऑर्डर विद द बैट एज वेल. फॉरेनर्स, एबी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल. बहुत पैसे खर्चे हैं, हर साल कोई ना कोई टीम ग्लेन मैक्सवेल पे बहुत पैसे खर्चती है, होप करती है कि वो ही जितवाएगा उनको आईपीएल. बट सैडली अभी तक वो इन्वेस्टमेंट पे ऑफ नहीं हुई है. क्या इस सीजन होगी वो तो टाइम विल ओनली टेल. डैनियल सैम्स, आई एम पर्सनली अ बिग फैन ऑफ हिम बिकॉज लेफ्ट आर्म बॉलर है, एक तो थोड़ी स्विंग भी करता है प्लस लोअर ऑर्डर में अच्छे रन मारता है. और उसका लाइक टू लाइक राइट हैंडेड रिप्लेसमेंट इज डैन क्रिश्चियन एंड इवन अ काइल जेमिसन. तो ये तीन प्लेयर्स में से आपको एक खेलता हुआ मिलेगा. केन रिचर्डसन, वेरी गुड इन द डेथ, वेरी गुड इन द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स, ही इज अ गुड बाय दिस सीजन. एडम जैम्पा, अगर काफी स्पिन हुई तो ही बिकम्स एन इंपॉर्टेंट प्लेयर. एंड देन देयर इज फिन एलन, वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस यंग टैलेंटेड न्यूजीलैंड विकेटकीपर बैट्समैन. अर्ली प्लेइंग 11 क्या होगी आरसीबी की? देखिए, एक्सपेक्टेड तो था देवदत्त पडिक्कल एंड विराट कोहली, बट अब आई फील फिन एलन विल ओपन द इनिंग्स विद विराट कोहली क्योंकि पडिक्कल को कोविड हुआ हुआ है. नंबर 3 पे आई वुड रेकमेंड हैविंग अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन लाइक मोहम्मद अजरुद्दीन, कि वो आए 200 के स्ट्राइक रेट से 20-30 रन मार के भी चला जाए, या इवन समबडी लाइक अ वॉशिंगटन सुंदर. बिकॉज उसके बाद यू हैव सम एक्सीलेंट अटैकिंग बैट्समैन इन एबी डिविलियर्स एंड ग्लेन मैक्सवेल. देन मोहम्मद अजरुद्दीन या वॉशिंगटन सुंदर में से जो नंबर 3 पे नहीं आया वो उसके बाद आए, फॉलोड बाय सचिन बेबी. जैसे मैंने बोला, डैन सैम्स या डैन क्रिश्चियन में से एक खेलेगा. मे बी इन द बिगिनिंग इट्स मोर डैनियल सैम्स बिकॉज ही हैज गुड स्लोअर बॉल वेरिएशंस फॉर चेन्नई विकेट्स. यूजी चहल, केन रिचर्डसन या नवदीप सैनी, डिपेंडिंग ऑन देयर फोर्थ फॉरेन प्लेयर अगर ऑलरेडी हो टीम में, एंड मोहम्मद सिराज. थोड़ा सा ट्रबलिंग यहां पे प्लेइंग 11 में यही लग रहा है, इनकी डेथ बोलिंग और अगेन थोड़ा सा ब्रिटल मिडिल ऑर्डर. कौन है इनके सीजनड परफॉर्मर्स? ऑफकोर्स विराट कोहली और एबी डिविलियर्स सीजन आफ्टर सीजन यही सिर्फ मेनली परफॉर्म कर रहे हैं इनके लिए. विराट कोहली 530 रन 18 में, 464 रन 19 में, 466 रन 20 में. बट यू नीड अ 600 रन वाला सीजन फ्रॉम विराट कोहली दिस सीजन. एबी
डिविलियर्स 400 प्लस रन है पिछले तीन आईपीएल में और 155 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है। देवदत्त पडिक्कल ही वाज एक्सीलेंट लास्ट सीजन, 473 रन्स थे, काफी सारे 50s भी थे, मगर एंड ऑफ द आईपीएल में ही स्टार्टेड बैटिंग एट अ वेरी स्लो स्ट्राइक रेट। ये नहीं कर पाएगा इस सीजन अगर प्लेइंग 11 में हो, क्योंकि अगर विराट कोहली भी ओपन कर रहा है उसके साथ, विराट कोहली ऑलरेडी टेक्स अबाउट 15 बॉल्स टू गेट इन, यू कांट हैव द सेकंड ओपनर डूइंग दैट एज वेल। केन रिचर्डसन बीबीएल में इसके 15 विकेट थी 11 मैच में एंड ही इज गुड इन द डेथ, ही इज गुड इन द बिगिनिंग। युजवेंद्र चहल एंड वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों का फॉर्म बहुत काउंट करेगा कि कैसा खेलेगी इस सीजन, क्योंकि चेन्नई में स्पेशली यूजी शुड गेट सम परचेज ऑफ दैट विकेट। सुंदर बॉल्स इनसाइड द पावर प्ले, सुंदर के 8 विकेट थी मगर 5.6 या 5.7 का इकोनॉमी रेट था पिछले आईपीएल, प्लस इस बारी जैसे मैंने बोला बैट से भी रन मारने पड़ेंगे। यूजी चहल 12-18-21 पिछले आईपीएल में 21 विकेट थी, बट ये लोग खेलते हैं बेंगलुरु के फ्लैट विकेट्स पे और इसका इकोनॉमी रेट पिछले तीनों सीजन 8 से कम कराए। पंट प्लेयर्स कौन है? मोहम्मद सिराज, स्पेशली इन द बिगिनिंग ऑफ द इनिंग्स ही इज अ स्किडी बोलर, तो ही कुड बी गुड एंड ही इज एन अटैकिंग बोलर। सचिन बेबी जैसे मैंने बोला पंट परफॉर्मर है, आई एम बैकिंग हिम टू स्कोर सम गुड रन्स दिस सीजन, नॉट बिग रन्स बट इंपॉर्टेंट रन्स। 53 की एवरेज थी और 150 का स्ट्राइक रेट था इसका मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020 में। फिन एलन ये देखिए रिकॉर्ड, 57 की एवरेज ओपनिंग कर रहा था, 194 का स्ट्राइक रेट, 512 रन न्यूजीलैंड T20s में। डैन क्रिश्चियन विकेट टेकर है, डेथ में अच्छी बोलिंग करता है, ऑल्सो इज अ वेरी गुड फिनिशर विद द बैट। इसने एक इनिंग्स में 50 रन मारे थे 15 बॉल में इन द बीबीएल। डैनियल सैम्स ये स्पेशली थ्रेट हो सकता है मुंबई और कोलकाता के ग्राउंड्स पे। देन दैट्स डैनियल सैम्स, जैसे मैंने बोला दूसरे ग्राउंड्स पे ही शुड बी इन द प्लेइंग 11। 11 विकेट थी इसके बीबीएल में, ही इज अ अटैकिंग लेफ्ट आर्म बोलर, स्पेशली न्यू बॉल के साथ दो ओवर तो स्विंग भी करेगा बॉल को एंड लोअर ऑर्डर में बैटिंग स्ट्राइक रेट भी हाई रखता है। और अगर डैन सैम्स और डैन क्रिश्चियन को बाहर बिठाना हो तो उनका लाइक फॉर लाइक मे बी 80% or 70% ऑफ दैट टैलेंट का रिप्लेसमेंट इज हर्षल पटेल एंड ही कैन बी अ रियल पंट प्लेयर बिकॉज बहुत अच्छी वेरिएशंस डालता है। और जब आरसीबी खेलेगी कोई कोई प्लेयर्स होंगे जो आप पक्का उठाएंगे अपनी टीम में, वो कौन है? विराट कोहली है, एबी डिविलियर्स है, ग्लेन मैक्सवेल है, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल बोलिंग भी करेगा, यूजी चहल, केन रिचर्डसन और देवदत्त पडिक्कल। अब आप इन सब प्लेयर्स को अफोर्ड कर पाएंगे फैंटेसी क्रिकेट में वो अलग स्टोरी है, बट ये सारे सेफ प्लेयर्स रहेंगे आपकी टीम में। मगर पंट प्लेयर्स कौन रहेंगे थोड़े से मिक्सअप करना पड़ेगा। वॉशिंगटन सुंदर बिग पंट प्लेयर, क्योंकि जैसे मैंने बोला बैट से भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मोहम्मद अजरुद्दीन बहुत बड़ा पंट प्लेयर होने वाला है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज टैलेंट कि कितने रन मारेगा इस सीजन। इसके ऊपर मैं जाऊंगा एज अ पंट पिक विद सचिन बेबी। देन देयर इज मोहम्मद सिराज, स्पेशली अगर आरसीबी डिफेंड कर रही हो। डैनियल सैम्स, डैन क्रिश्चियन जो खेल गया एंड जो मैच फिन एलन खेलेगा वो मेरी टीम में होएगा। कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शंस, ऑफ कोर्स विराट कोहली, एबीडी और ग्लेन मैक्सवेल में से एक आपका कैप्टन होएगा। वाइस कैप्टन में ऑलराउंडर डैन क्रिश्चियन हो सकता है, यूजी चहल स्पेशली ऑन स्लोअर विकेट्स, वॉशिंगटन सुंदर को आप वाइस कैप्टन बना सकते हो आफ्टर स्टडिंग कि वो कहां पे बैटिंग कर रहा है, इज ही कमिंग टू डाउन द ऑर्डर और इज ही बैटिंग एट 5 or even 3। देन ऑफ कोर्स जब देवदत्त पडिक्कल वापस आएगा, वेरी गुड वाइस कैप्टन ऑप्शन एज वेल। एंड बड़ा जीएल का वाइस कैप्टन या कैप्टन इज फिन एलन। और पंट परफॉर्मर्स में एक बड़े नाम की तो बात ही नहीं की हमने, ग्लेन मैक्सवेल। और क्यों वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बीबीएल में उसने मिडिल ऑर्डर में बहुत रन मारे। और अगर आप मेरी प्रिडिक्शन मांगोगे आरसीबी की इस सीजन, सबसे बड़ी चीज यही होने वाली है कि मैक्सवेल का फॉर्म कैसा रहता है, क्योंकि आपको पता है विराट कोहली और एबीडी तो अच्छा करेंगे, वो तो सीजन आफ्टर सीजन कर रहे हैं, बट दे नीड सपोर्ट एंड मैक्सवेल को इतने पैसे इसलिए दिए हैं फॉर द सपोर्ट। अगर 2 out of 5 गेम्स में भी मैक्सवेल ने 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर ली एंड थोड़ी स्लोअर विकेट्स में 2-3 ओवर भी अच्छे से डाल लिए, इनकी टॉप 4 फिनिश पक्का है। ऑल्सो आरसीबी एक बहुत ही कॉन्फिडेंस बेस्ड टीम है, तो अगर शुरू में थोड़ा जीती तो मोमेंटम कैरी करेगी थ्रू द टूर्नामेंट। और मेरे को इनकी हॉलोनेस डेथ बोलिंग में लगती है, सो आई एम होपिंग मोहम्मद सिराज डज वेल इन द डेथ अलोंग विद समवन लाइक केन रिचर्डसन। अब हर वीडियो में मैं आपको यही दे रहा हूं बल्लेबाजी का 100% बोनस कोड IPL BONUS, वैलिड है एंड ऑफ द आईपीएल 30 मई तक, मगर एक ही बार आप यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके आईपीएल की इन्वेस्टमेंट होने वाली है ना, एक ही बार वो डालना, क्योंकि 100% बोनस का मतलब है अगर आप 5,000 रुपए डालेंगे, बल्लेबाजी 5,000 रुपए आपके लिए और डालेगा इन योर वॉलेट टू यूज ऑन देयर ऐप। गाइस, 4 टीम के वीडियो आ चुके हैं, 4 और टीम के वीडियो आने हैं। अगला वीडियो पंजाब किंग्स का, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। ड्यूरिंग द आईपीएल प्री गेम शो फैन ब्लेज क्रिक टॉक लाइव आ रहा है आप लोगों के लिए।
हर मैच के वीडियोस आ रहे हैं। अगर मेरे वीडियो नहीं देखने तो हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप स्टोर पे जाइए, फैन ब्लेज सर्च करिए, वहां पे हमारे पास मल्टीपल एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत ही मस्त फैंटेसी टीम्स देते हैं आप लोगों को। ऐप अगर आपके फोन पे हुई, जीतना आपका फैंटेसी में गारंटी है। फैन ब्लेज फैंटेसी है हम लोग ऑन इंस्टाग्राम, फॉलो करिए @akuldhigra। मैं हूं ऑन इंस्टाग्राम, मुझे भी फॉलो करिए। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।